खबर राजस्थान के टोंक से है, जहां ग्राम सेवा सहकारी समिति के बाहर अतिक्रमण कर पक्के निर्माण कार्य को लेकर बनेठा में जीएसएस पर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। बता दें, कस्बे में ग्राम सेवा सहकारी समिति के बाहर अतिक्रमण करवाए जाने से लेकर पक्के निर्माण कार्य के विरोध में ग्रामीण के द्वारा छात्र किसान महापंचायत प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। बता दें, दिन भर ग्रामीण वहीं डटे रहे और धरना देते रहे। इससे पहले बुधवार शाम को बालाजी के बाग में छात्र किसान महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी, समिति अध्यक्ष किशन लाल माली की अध्यक्षता में ग्रामीणों किसानों की बैठक हुई थी। समिति के बाहर अतिक्रमण कर रात दिन हो रहे पक्के निर्माण कार्य का विरोध जताया गया था। बैठक में सभी लोग रैली के रूप में बनेठा थाने पर पहुंचे और रात्रि में ही रहे निर्माण कार्य रुकवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के नाम कार्यवाहक थाना प्रभारी बालकिशन शर्मा को धरने प्रदर्शन के दौरान ज्ञापन सौंपा। गुरुवार को कॉरपोरेट बैंक अधिकारी कर्मचारियों ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों ग्रामीणों से उक्त प्रकरण के बारे में विस्तृत से जानकारी ली। जिला कलेक्टर को उक्त मामले में अवगत कराने का निर्णय लिया है। बता दें, सीएसएस परिसर में धरने पर छात्र किसान महापंचायत रामेश्वर चौधरी, समिति अध्यक्ष किशन लाल माली समेत तमाम ग्रामीण मौजूद है। ग्रामवासियों द्वारा वर्ष 2016 से ही यहाँ पर गाड़ी अलवार द्वारा पट्टा मांगा जा रहा था, मगर ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा ऑब्जेक्शन लिया जा रहा था। 2018 में तत्कालीन एसडीएम कैलाश चंद गुजर ने भी यहाँ पर पट्टा आवेदन के लिए पट्टा बनाने के लिए आदेश जारी किए थे, मगर पंचायत द्वारा ऑब्जेक्शन मांगने पर ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा बना हुआ 1982 का पट्टा, जो कलेक्टर से बना हुआ था, उसको दिखाने के उपरांत इनके आवेदन को निरस्त कर दिया गया। फिर चालाकीपूर्ण तरीके से सोसाइटी की तरफ खाली जगह, सोसाइटी के रास्ते की तरफ खाली जगह दिखाते हुए, और सबसे बड़ी घिनौनी बात यह कि पंचायत द्वारा ब्लड रिलेशन के गवाहों को भी वराइट मानते हुए इनको पट्टा जारी कर दिया है। और जहां पट्टा जारी किया है वो एक सरकारी संपत्ति है। अगर पट्टा जारी करना था या गाड़ी लुहार को प्रॉफिट देना था तो ऐसी जगह देते जहाँ किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था। यहाँ सरकारी ज़मीन और भी थी, मगर किसानों की ज़मीन के सामने कल हमारे संसाधन खड़े होंगे, कहाँ खड़े होंगे? कल खरीद केंद्र जारी होगा तो हम फसल बेचने आएंगे, तब कहाँ पे हमारे संसाधनों को खड़ा करेंगे? क्या रोड जाम थोड़ी करेंगे? हमने सारा अन्वेक्षण करने के बाद पट्टा जारी 6 जून 2021 में इनको जारी हुआ। पंचायत ने ग्रामवासियों और ग्राम सेवा सहकारी समिति के ऑब्जेक्शन को राइट मानते हुए 28/5/2022 को विशेष बैठक का आयोजन करते हुए इनके पट्टे निरस्त की कार्रवाई को अमल पहनाया और 1/6/2022 को संबंधित अतिक्रमी को नोटिस दिया गया कि आप इस पट्टे की भूमि को किसी को नहीं बेचोगे और न ही पक्का निर्माण कराओगे। उसके उपरांत भी इस अतिक्रमी ने पक्का निर्माण जारी रखा। समय समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा बंद काम करवाया गया, फिर भी नहीं मानने के कारण कल शाम को किसान महापंचायत की बैठक आयोजन की गई। उस बैठक के आयोजन के उपरांत थाने का घेराव किया। थाने के घेराव के उपरांत वहीं पे जिला कलेक्टर के नाम थाना इंचार्ज को हमने ज्ञापन प्रेषित किया और उसमें हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम कल 10 बजे से धरने पर बैठ जाएंगे। हम हमारी बात के हिसाब से धरने पर बैठे हैं। अगर कोई भी प्रशासक हमें यह समझा दे कि ये सोसाइटी की ज़मीन पर अतिक्रमण नहीं है, हम मान जाएंगे। अगर हम राइट हैं तो संबंधित व्यक्ति का अतिक्रमण को डहाना चाहिए, ये हमारी मांग है। जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी, हम लगातार अनिश्चित काल के लिए इसी स्तर पर धरना पड़ेगा।